ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं ममता कटोच, आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग की टीचर. ओके, और जैसे आप लोगों को पता ही है कि आजकल कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, उसकी वजह से बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी करने में प्रॉब्लम आ रही है. सो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टार्ट की हैं, जिससे आप लोग इस वीडियो को, अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हो. और जिस किसी को कोई भी डाउट हो, आप उस चीज़ को बार बार रिपीट से इन अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो इन वीडियोस को देख के. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OSI मॉडल. दिस इज़ द रेफरेंस मॉडल, OSI मॉडल. OSI model stands for the Open System Interconnection. It is a reference model that describes how the information from the software applications in a one computer moves through the physical medium to the software application in the another computer. Means that कि ऑनलाइन जो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है, वो सारी प्रोसेसिंग आती है हमारे 10 OSI मॉडल के अंदर. ओके, सो द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ द 7 layers and each layer perform the particular network functions. OSI model was developed by the International Organization for the Standardization, that is the ISO, in the 1984, and it is now considered as the architectural model for the intercomputer communications. OSI model divides the whole task in the seven smaller and manageable tasks. Each layer is assigned a particular task. Each layer is self-contained, and so the tasks is assigned to each layer can performed independently. So characteristics of OSI model के हम characteristics देख लेते हैं. सबसे पहले हमारी जो layers आ जाती हैं इसमें, 7 layer कौन कौन सी हैं. First one is the application layer. सेकेंड वन इज़ द प्रेजेंटेशन लेयर. एक्चुअली जो हम इसमें लेयर्स काउंट करते हैं, वो करते हैं हम फ्रॉम द बॉटम टू टॉप. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर. नेक्स्ट वन इज़ द नेटवर्क लेयर, देन डाटा लिंक लेयर, and the physical layer. We read these as from the bottom to the top of the layers. The first four layers, transport layers, this is the responsibility of the host. Host means the server. उसकी responsibility होती है इन चार लेयर्स के ऊपर काम करना, कैसे उनको हैंडल करना है. एंड दीज थ्री लेयर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क्स. इन सबको हम डिटेल्ड बाय डिटेल्स पढ़ेंगे. फर्स्ट द टॉपिक इज द फंक्शंस ऑफ द OSI लेयर्स. एक्चुअली जो जो फंक्शंस हैं OSI लेयर्स के, हमको इनको डिटेल वाइज पढ़ते हैं कि फंक्शनैलिटी क्या है इन लेयर्स की. ठीक है, इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं. जो एप्लीकेशन लेयर्स हैं वो कैसे काम करती हैं, हमारी डाटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, ये कैसे टास्क को परफॉर्म करती हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शंस ऑफ functions of the OSI layers. The physical layer, जो हमने layers पढ़ी हैं, जो physical layer थी हमारी, it provide the physical medium through which the bits are transmitted. Means that जो हमने सबसे last में physical layer पढ़ी थी, इसका काम है कि जो किस medium के through जो आपका data है वो एक computer से दूसरे computer network पे कैसे transfer करेगा. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज जो ये मीडियम है इट कैन बी अ कोएक्सियल केबल वायर्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक आपका टावर हो गया ठीक है मोबाइल के नेटवर्क्स कैसे आते हैं वो मीडियम कौन सा यूज़ करेगा उसको हम काउंट करते हैं फिजिकल लेयर्स में. नेक्स्ट वन इज़ द डाटा लिंक लेयर इट इज़ यूज टू फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डाटा मीन्स दैट इन द डाटा लिंक लेयर डाटा लिंक लेयर में सपोज करो कि सेंडर साइड से हमने जो डाटा सेंड किया है वो है 101 ठीक है फ्रॉम द सेंडर साइड तो रिसीवर साइड में ये डाटा जाके 111 हो गया तो रिसीवर साइड्स में जो उसने डाटा रिसीव किया दैट इज़ 1 तो उस चीज़ को चेक करना है कि क्या जो सेंडर ने डाटा सेंड किया क्या रिसीवर ने वही डाटा एक्सेप्ट किया है जहाँ उसमें किसी बिट को चेंज हो गया है जैसे यहाँ पे 0 था यहाँ पे 1 है यहाँ पे एरर आ गई उसने गलत डाटा रिसीव किया रिसीवर ने ड्यू टू सम नॉइस और सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन इन द वे सो उस चीज़ को चेक करने का काम किसका है डाटा लिंक लेयर का. थर्ड वन इज़ नेटवर्क लेयर. हम नेटवर्क लेयर को क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्क लेयर की इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन कि जो हमें सेंडर ने डाटा सेंड किया है उसको लार्ज मैसेज को जैसे आई एम और टीचर ओके इस टाइप का कुछ डाटा है इस डाटा को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करना ठीक है जैसे आई एम अ टीचर इस तरह से जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डाटा को ट्रांसफर डिवाइड करना और एक एक पैकेट को रिसीवर एंड पे ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस किसकी है नेटवर्क लेयर की ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर इट प्रोवाइड द रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम द प्रोसेस टू प्रोसेस मीन्स दैट कि जो हमने मैसेज सेंड करना है वो रिलायबली प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस टू प्रोसेस हर टाइम पे टाइमली मैसेज ट्रांसफ़र हो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर. नेक्स्ट वन इज़ द सेशन इट इज़ सेशन लेयर इसका काम क्या है इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन. सेशन आ गया जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखी होगी कि अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर जाते हो आप ठीक है कुछ टाइम के लिए साइट के ऊपर आप काम करते हो फिर बैक एंड पे आप कुछ और एप्लीकेशन ओपन कर देते हो और जो आपकी अमेज़ॉन की ऐप होती है वह कुछ 5-10 मिनट के लिए बैक एंड पे ओपन रहती है बट दोबारा से जब आप उस ऐप के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे आपको मैसेज आता है सेशन एक्सपायर्ड प्लीज़ लॉग इन अगेन ठीक है. तो वो काम किसका होता है वो काम होता है सेशन लेयर का. सेशन लेयर का क्या है कि वो आपके टाइम को मेंटेन करके रखती है कि जो आपकी वेबसाइट है वो कितने टाइम तक लॉग इन रही है उसको टाइम को काउंट करना आप कितने टाइम तक उस वेबसाइट्स के ऊपर काम किया है लॉग इन रहे हो कैसे आपने इस्टेब्लिश किया है ठीक है वो काम आ जाता है सेशन लेयर का. नेक्स्ट वन इज़ द प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि जो डाटा आपके सेंडर ने रिसीवर को सेंड किया है नेटवर्क प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि उसको चेक करना कि वो जो डाटा है वो किस फॉर्म में आया है मींस कोई MP3 की फाइल है कोई ऑडियो फाइल है कोई वीडियो फाइल है जहाँ कोई JPEG इमेज है मीन्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की कि चेक करना कि जो आप लोगों ने डाटा सेंड किया है वो किस फॉर्मेट में आया है उसी ही फॉर्मेट में रिसीवर तक जाए ठीक है. उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं प्रेजेंटेशन करना आपका जो डाटा आया है उसको कैसे प्रेजेंट करना ओके. नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर का फॉर्मूला क्या है ये यूज़ होती है इट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द यूज़र्स मीन्स हम लोग जो हम यूज़र्स हैं जब हम अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं दैट कम्स अंडर द एप्लीकेशन लेयर. हम कैसे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करते हैं जैसे इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ कर लिया या फिर कोई फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ कर ली कैसे हमने मैसेज सेंड किया है दैट्स ऑल कम्स अंडर द एप्लीकेशन लेयर. सो ये था थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन अबाउट दीज लेयर्स. अब हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इन सब लेयर्स का काम होता क्या है ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज द फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर
लेयर का काम क्या है, जैसे दिस इज फ्रॉम द सेंडर साइड, कुछ भी डाटा बिट्स हैं, PL लिख देती हूँ मैं इसको, फिजिकल लेयर्स को, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ बिट्स हैं, जैसे 1010101111, ओके। दिस इज द L2 डाटा फ्रॉम डाटा लिंक लेयर, ओवर द ट्रांसमिशन मीडिया, फिजिकल लेयर ऑन द रिसीवर साइड, द डाटा इज हेयर 1010111 एंड इट इज ऑल्सो गिवन द सर्विसेज टू द L2 डाटा ऑफ द 2 डाटा लिंक लेयर। जो मेन फंक्शनैलिटी होती है फिजिकल लेयर की, ये क्या करता है कि जो फिजिकल लेयर होती है वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू द अबव लेयर फ्रॉम 8, दैट इज़ द डाटा लिंक लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है। वहाँ से जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ बिट्स कलेक्ट करती है, उसके बाद में उसको ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी एनीथिंग लाइक द कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स कोएक्सियल केबल्स हो गए, देन उसके थ्रू या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है वो ट्रैवल करे, ठीक है। उस मीडियम के थ्रू ये मैसेज को फॉरवर्ड करती है रिसीवर एंड पे, उसके फिजिकल लेयर पे, ठीक है, जहाँ पे वो डाटा फिजिकल लेयर एक्सेप्ट करती है, देन इट विल फॉरवर्ड दिस मैसेज टू द डाटा लिंक लेयर ऑफ द रिसीवर एंड। दिस इज द सेंडर साइड, दिस इज द सेंडर साइड ऑफ द डाटा एंड दिस इज द रिसीवर साइड ऑफ द डाटा, ओके। इसमें फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं, इट एस्टैब्लिश मेंटेन एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शंस, इट स्पेसिफाइज द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड द प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस कनेक्शंस, इसमें लाइन कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है हमारे पास, इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली, डाटा ट्रांसमिशंस, इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड, वेदर इट इज़ अ सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड बिटवीन द टू डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। जो ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, मोड हो गया, लाइक द सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड द फुल डुप्लेक्स मोड्स, वो कौन से हो गए। सिंप्लेक्स मोड इज़ द मोड, मतलब जो हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किस टाइप का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंप्लेक्स की एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे कि हमारे घरों में टेलीविजन्स हैं, रेडियो टेलीफोन्स रेडियोज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ उनके मेन हेडक्वार्टर से टेलीकास्ट हो रहे हैं, न्यूज़ चैनल से न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है, वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो, हमें टेलीकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, डाटा हम लोग जस्ट बैठ के सुन सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में आ जाता है हमारा डाटा, जैसे कि वो सेम टाइम पे, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकता है, जहाँ तो डाटा सुन सकते हैं, जहाँ फिर हम रिसीव कर सकते हैं, जहाँ सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस चीज़ की आ जाती है हमारे पास वायरलेस, ठीक है, जैसे सैटेलाइट फोन्स या वायरलेस, जिसमें क्या होता है कि हम लोग एक ही टाइम पे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक ही टाइम पे रिसीव कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में हम जो डाटा है सेम टाइम पे रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर मोबाइल फ़ोन्स, जब हमें कोई फ़ोन कॉल आती है हम साथ के साथ रिप्लाई भी कर रहे होते हैं और साथ के साथ अपनी उनकी बात को, सामने वाले की बात को सुन भी रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज द ट्रांसमिशन मोड्स, ओके। नेक्स्ट वन इज़ द टोपोलॉजीज, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, इट आइडेंटिफाई द वे हाउ द नेटवर्क डिवाइसेज आर अरेंज्ड। टोपोलॉजीज में आ जाता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से, जो नेटवर्किंग है किस तरह से हो रखी है। इसमें हमारे पास आ जाता है स्टार टोपोलॉजीज, मैश टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजीज, ऑल आर टोपोलॉजीज कम्स अंडर दिस। नेक्स्ट वन इज द सिग्नल्स, इट डिटरमिन द टाइप ऑफ द सिग्नल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन, किस टाइप का सिग्नल हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिट करने के लिए अपने इंफॉर्मेशन को। सो
The second layer of this is the data link layer. डाटा लिंक लेयर में क्या आता है? डाटा लिंक लेयर सेम एज दैट ऑफ द फिजिकल लेयर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द लेयर अबव दैट इज द नेटवर्क लेयर हेयर इज द L3 देन द डाटा लिंक लेयर आई विल राइट हेयर द DL लाइक और इसके आगे हमारे पास डाटा के आगे एक लग जाता है हेडर और एक लग जाता है ट्रेलर्स ओके सो इट प्रोवाइड्स द डाटा टू द It provides the informations to the physical layer. Same way, in the receiver end, This will provide the information in the data link layer. It is responsible for the error-free transfer of the data frames. इसमें क्या होता है जो हमारा data link layer होता है इसमें जो हमारा data टेक करता है फ्रॉम द नेटवर्क लेयर उससे डाटा को लेके इट जो डाटा लिंक लेयर है फर्स्टली ये सर्विस प्रोवाइड करता है अपने से ऊपर वाली लेयर दैट इज़ द नेटवर्क लेयर ठीक है उससे जो डाटा होता है उसको लेके उसको हेडर एंड ट्रेलर एड ऑन कर देता है और डाटा को हम फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं ठीक है फ्रेम्स में डिवाइड करके इट विल ट्रांसफर द डाटा टू द फिजिकल लेयर ठीक है फिजिकल लेयर से फर्दर ट्रांसमिशन मीडिया पर जाता है डाटा ट्रांसमिशन मीडिया से फिजिकल लेयर ऑन द रिसीवर साइड से फिर डाटा लिंक लेयर पे विद द फ्रेम्स हेडर एंड ट्रेलर देन इट इज़ फॉरवर्ड टू द नेटवर्क लेयर एंड सो ऑन ठीक है इन दिस लेयर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डाटा ऑफ द फ्रेम्स मीन्स दैट कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो इसने डाटा सेंडर से रिसीव किया है ठीक है उसमें कोई जब वो उसको रिसीवर साइड पे डाटा को ट्रांसफर करना है तो उसकी साइड पे कोई एरर ना आए ठीक है इस चीज़ और वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज स्टे ट्यून एंड कंटिन्यू वॉचिंग एंड सब्सक्राइब स्टडी चैनल्स थैंक यू सो मच